साथियों 1980 के दशक में डीडीए ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आम जनता को सस्ती दरों पर मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुनर्वास बस्तियों में सिनेमा प्लॉट्स की नीलामी की थी। तब दक्षिणपुरी और अंबेडकर नगर आदि रिहायशी कॉलोनियों के बीचों बीच लगभग 3000 स्क्वायर यार्ड के इस सिनेमा प्लॉट की सबसे महंगी बोली लगाकर बिजनेसमैन बलदेव कृष्ण अभी ने खरीदा। साथियों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय इस प्लॉट की सबसे महंगी बोली 10 लाख रुपए थी। वैसे प्लॉट लेने के 10 महीने के भीतर ही जब सिनेमा की ओपनिंग हुई तो सभी लोग दंग रह गए थे। दिनेश बताते हैं कि डीडीए के तत्कालीन वाइस चेयरमैन जगमोहन ने 29 फरवरी 1980 को विराट थिएटर की ओपनिंग की। उस समय फिल्म मार्केट के कई नामी डिस्ट्रीब्यूटर विराट थिएटर पर उपस्थित थे। दरअसल दिल्ली के आर्किटेक्ट आर.एम. कक्कड़ ने विराट थिएटर के ऑडिटोरियम को एक नया लुक दिया। सिनेमा घर के मैनेजर मुकेश वोरा कहते हैं कि सनी देओल की फिल्मों ने यहाँ हमेशा ही अच्छा बिजनेस किया। गदर एक प्रेम कथा ने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कलेक्शन इसी थिएटर पर किया। इसके बाद सनी की फिल्म इंडियन भी जब यहाँ रिलीज हुई तो दर्शकों की उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सिनेमा प्रबंधकों को सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। उधर सचिन की फिल्म घर द्वार ने यह साबित कर दिया कि फैमिली फिल्मों का भी विराट पर ज़बरदस्त क्रेज था। साथियों विराट सिनेमा की जो लोकेशन है वह दक्षिणपुरी निकट चिराग दिल्ली। यहाँ सीटों की जो कैपेसिटी थी बालकनी 250 और मेन ऑडिटोरियम में 742। साथियों विराट सिनेमा पे जो सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म थी वह सचिन की घर द्वार 7 सप्ताह और इस पे जो ओपनिंग फिल्म थी सबसे पहली फिल्म संजीव कुमार की सूरज और चंदा। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी प्रेस करें। थैंक यू।